जीत आपकी, जिसके लेखक है शिव खेरा। आप सुन रहे हैं फ्री बुक हब। अगर अब तक आपने पीछे के पार्ट नहीं सुने हैं तो प्लीज उनको प्लेलिस्ट में जाके सुन सकते हैं, या ऊपर आई बटन पे भी जाके सुन सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं आगे का टॉपिक, जीत और विजेता में फर्क, विनिंग वर्सेस विनर्स। जीत और विजेता में क्या फर्क है? जीत एक घटना है, विजेता होना एक भावना है। विजेता जीत को अपने सिद्धांतों के तराजू पर तोलते हैं। 3 प्रेरक विजेता, 3 इंस्पिरेशनल विनर्स। पहला, ओलंपिक में भाग लेना जीवन की एक बहुत बड़ी घटना मानी जाती है। लॉरिस लेमेक्स ओलंपिक में नाव की रेस के दौरान मुसीबत में फंसे अपने एक प्रतियोगी की मदद करने के लिए रुक गए। सारी दुनिया देख रही थी, अपने जीतने की इच्छा से ज्यादा दूसरे के जीवन की रक्षा करने को उन्होंने प्राथमिकता दी। हालांकि वे नौका दौड़ में नहीं जीते, फिर भी वे विजेता थे। सारी दुनिया के राजा और रानियों ने उनका सम्मान किया क्योंकि उन्होंने ओलंपिक की भावना को जीवित रखा। फ्री बुक हब सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। प्लीज सब्सक्राइब अस। दूसरा, रोबिन गोंजालेस रैकेट बॉल की विश्व चैंपियनशिप फाइनल मैच खेल रहे थे। फाइनल खेल में मैच पॉइंट पर गोंजालेस ने एक बहुत अच्छा शॉट खेला। रेफरी और लाइन्समैन दोनों ने उनके शॉट को सही बताया और उन्हें विजेता घोषित कर दिया। मगर गोंजालेस ने थोड़ा रुकने और हिचकिचाने के बाद पीछे मुड़कर अपने प्रतिद्वंद्वी से हाथ मिलाते हुए कहा, शॉट गलत था। नतीजा यह हुआ कि वे सर्विस हार गए और मैच भी। हर कोई हैरान रह गया। कौन सोच सकता था कि एक खिलाड़ी जिसके हक में सारी बातें हों, हार को इस तरह गले लगा लेगा। जब पूछा गया कि उन्होंने ऐसा क्यों किया तो गोंजालेस ने जवाब दिया, अपने जमीर को बनाए रखने के लिए मेरे पास यही एक रास्ता था। वह मैच हार गए लेकिन फिर भी वह एक विजेता थे। अगर आपने अभी तक फ्री बुक हब को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें, धन्यवाद। तीसरा, कुछ सेल्समैनों के ग्रुप ने मीटिंग के लिए शहर से बाहर जाते समय अपने परिवार वालों से कहा कि वे शुक्रवार की रात को खाने के समय तक आ जाएंगे। लेकिन जैसा कि इस तरह के दौरों में होता है, एक के बाद एक काम होने की वजह से मीटिंग निश्चित समय पर खत्म नहीं हो सकी। उन्हें देर हो चुकी थी और उन्हें अपना जहाज पकड़ना था। वे भागते भागते जहाज छूटने से कुछ ही मिनट पहले एयरपोर्ट पहुंचे। टिकट उनके हाथों में थे और वे आशा कर रहे थे कि जहाज शायद अभी ना उड़ा हो। इसी भाग दौड़ में उनमें से एक मेज से टकरा गया जिस पर फलों का एक टोकरा रखा था। सारे फल इधर उधर बिखर गए और खराब हो गए। लेकिन उसके पास रुकने का समय नहीं था। वे दौड़ते रहे और जहाज के अंदर पहुंचकर उन्होंने चैन की सांस ली, सिर्फ एक को छोड़कर। उसने अपने साथियों से विदा ली और लौट आया। उसने जो कुछ देखा उससे उसे एहसास हुआ कि उसने बाहर आकर ठीक किया है। वह उस गिरी हुई मेज के पास गया और उसने उस मेज के पीछे एक 10 साल की अंधी बच्ची को देखा जो रोजी रोटी के लिए फल बेचती थी। उसने कहा, मुझे उम्मीद है कि हमने तुम्हारा दिन खराब नहीं किया। उसने $10 जेब से निकालकर उस लड़की को दे दिए और कहा, यह तुम्हारा नुकसान पूरा कर देगा। इसके बाद वह चला गया। लड़की यह सब कुछ तो देख ना सकी, लेकिन दूर जाते कदमों की धीमी पड़ती आवाज को सुनकर उसने जोर से आवाज लगाई, क्या आप भगवान हैं? उस सेल्समैन का जहाज तो छूट गया, लेकिन क्या वे विजेता नहीं था? यकीनन था। कोई बिना मेडल के भी विजेता हो सकता है, और यदि जीत को सही नजरिए से ना देखा जाए तो वह मेडल जीतने के बाद भी हारा हुआ हो सकता है।
अगले अध्याय में मैं आपको बताऊंगा, जीत एक घटना है, विजेता होना एक भाव, और साथ में विजेता उद्धार होते हैं। धन्यवाद। अगर आपको ये बुक फ्री में चाहिए तो हमारे पेज पर DM कर सकते हैं, और अधिक जानकारी के लिए डिस्क्रिप्शन में जा सकते हैं। नेक्स्ट पार्ट के लिए राइट वाली वीडियो पर क्लिक करें, और बुक की प्लेलिस्ट के लिए लेफ्ट वाली वीडियो पर क्लिक करें, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो को लाइक शेयर करें। फ्री बुक हब सुनने के लिए धन्यवाद।